सुनो, इस बार होली पर मुझे गांव नहीं जाना। अगर सासू माँ का फोन आए तो कुछ ना कुछ बहाना बना देना, सीमा ने अपने पति रमन से कहा। हाँ यार, इस बार गांव जाने का मन मेरा भी नहीं है। हम दोनों ही जानते हैं कि हमें गांव क्यों नहीं जाना, रमन ने कहा। पुरानी रंजिश को लेकर आज भी पापा और ताऊ जी के बीच बोलचाल बंद है। मैंने कितनी बार पापा से कहा है कि आपके और ताऊ जी के बीच जो भी पुरानी रंजिश थी जमीन जायदाद को लेकर, उसे अब भूल भी जाओ, लेकिन पापा हैं कि आज भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। बड़े लोगों की बातों में हम बच्चे पिस कर रह जाते हैं। ना तो चचेरे भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं और ना ही कहीं आ जा सकते थे। अगर जरा सा भी आपस में बच्चे एक साथ बोल भी लें तो बस उधर तो ताऊ जी अपने बच्चों को मारते और इधर मेरे पापा। दोनों घरों के बीच ऐसा लगता था जैसे भारत पाक के बीच रेखा खिंची है, वैसे ही हमारे परिवार वालों के बीच ना जाने कब जंग का ऐलान हो जाए। जाने वाले चले गए लेकिन ताऊ जी और पापा जी के बीच आज भी मन मुटाव हुआ बोलचाल बंद है, रमन ने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो रमन, बिल्कुल पास पास मकान है ताऊ जी का और हमारा। जब होली और दिवाली पर गांव जाते हैं तो मेरा भी मन करता है कि सासू माँ के साथ ताई जी के घर जाऊं और उनके साथ बातें करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार मैंने सासू माँ से कहा कि चलो माँ, आज हम ताई जी के घर चलते हैं दिवाली की मिठाई और शुभकामना देने, और उनके बेटे बहू आए हैं तो उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन सासू माँ ने मुझे फटकार लगा दी कि खबरदार, कभी भी उन लोगों का अगर तुमने नाम लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतनी जोर की फटकार से मैं डर गई और ताई जी से मिलने का विचार मैंने त्याग दिया। बस इसीलिए तीज त्योहारों पर जाने का मन नहीं करता। आखिर तीज त्योहार होते ही इसलिए हैं कि परिवार वालों के बीच प्यार, प्रेम और सम्मान बढ़ता रहे, आपसी बैर और गिले शिकवे को भूल कर मिलजुल कर रहें। लेकिन हमारे परिवार के बीच तो नफरतों की रेखा खिंची है, उसे कितना भी कम करने की कोशिश करो बढ़ती ही नजर आती है। इसलिए मुझे नहीं जाना गाँव, सीमा ने गुस्सा करते हुए कहा। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि इतने में फोन बजा। हेलो रमन, होली पर आ रहे हो ना, रमन के पिताजी ने कहा। रमन कुछ कहता इससे पहले ही कॉल कट गया। रमन ने सीमा से कहा, पिताजी का फोन था, होली पर गांव बुला रहे हैं, मना करूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मना करूंगा तो लगेगा कि एक ही बेटा है, उसके पास भी माता पिता के लिए वक्त नहीं है, और मुझे बिन परिवार के अब की बार होली नहीं मनानी है। मुझे इस बार होली पर ऐसा रंग लगाना है जो पुरानी दूरियों को नज़दीकियों में बदल दे, रमन ने कहा। तभी सीमा ने कहा, अगर हम पिताजी को समझाएं तो शायद उन्हें समझ में आ जाए, वो सारी बीती बातों को भूलकर भाई भाई एक हो जाएं, क्योंकि हमने कभी कोशिश भी तो नहीं की पिताजी को समझाने की, वो हमें डांटते और हम चुप हो जाते थे। अब हम भी समझदार हो गए हैं, उन्हें शायद हमारी बात समझ में आए। ताऊ जी के बेटे बहुएं भी तो हमसे बोलते हैं कि हम दोनों परिवारों को एक करना चाहते हैं, फिर तो आसानी होगी हमें। कुछ वो लोग मेहनत करें, कुछ हम, और मेहनत जरूर रंग लाती है, सीमा ने विश्वास के साथ कहा। रमन ने अपने पिताजी को फोन किया और कहा, हम होली पर गांव आ रहे हैं। ये सुनकर रमन के पिताजी खुश हो गए। सीमा ने गांव जाने की तैयारी की और शाम की गाड़ी से ही गांव जाने का निश्चय किया। दोनों खुश थे और भगवान से अर्जी लगाने लगे कि हे भगवान, हमारे परिवार वालों को एक करने में हमारी मदद करना। रमन और सीमा शाम को बस से गाँव निकल गए। 4 घंटे का सफर तय करके रमन और सीमा जब गांव पहुंचे तो गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। रमन और सीमा को देखकर माता पिता का रोम रोम खिल उठा। रमन और सीमा ने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। तभी रमन ने बोला, मैं ताऊ जी और ताई जी से भी मिलकर आता हूँ। ये सुनकर पिता मोहन लाल जी रमन से कहने लगे, कोई जरूरत नहीं है उनके घर जाने की, तू भूल गया क्या कि हम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर आज किस लिए उनके घर जाना है। पापा मैं जानता हूँ और मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, लेकिन पापा आखिर ये पुरानी रंजिश कब तक चलेगी। जमीन जायदाद किसी को कम तो किसी को ज्यादा मिल जाने से फर्क क्या पड़ता है, आज हम सभी तरह से परिपूर्ण हैं। पापा बच्चों को प्यार करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं। हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हम दो परिवारों के बीच कभी बोलचाल नहीं थी, फिर हमारे बच्चे कैसे संयुक्त परिवार में रहना सीखेंगे। जानता हूँ पापा कि अपनों को अनजान और अनजान को अपने रिश्ते नहीं हालात बना देते हैं। दादा दादी तो गए और उन्होंने अपनों को अपनों का ही दुश्मन बना दिया, इसलिए पापा जो हुआ उसे भूलकर हमें नए रिश्तों की शुरुआत करनी चाहिए। अब आप लोग भी अकेले रहते हैं और ताऊ जी और ताई जी भी, उनके बच्चे भी तीज त्योहारों पर आते हैं और हम भी। अब आप ये सोचिए, कभी भी रात में किसी की भी तबीयत बिगड़ जाए या फिर कोई मुसीबत आ जाए तो आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं।
क्योंकि मुश्किल घड़ियों में परिवार वाले ही सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। रमन की बातें मोहनलाल जी के दिल दिमाग में बैठने लगी। तभी रमन की माँ बोली, हमें बच्चों की बात मान लेनी चाहिए, वाद विवाद में कुछ नहीं रखा है। रमन की माँ ने हाथ में गुलाल की थैली उठाई और कहा, मैं जा रही हूँ जो रिश्ते कई साल से फीके पड़े थे उनमें प्रेम और सम्मान का रंग भरने। रमन, सीमा और माँ तीनों ताऊ जी के घर चल दिए। ताऊ जी के घर भी ताई जी के बच्चे आए हुए थे। उन्होंने भी ताऊ जी को समझाया कि घर आए अपनों का अपमान ना करें, बल्कि सम्मान दें, सम्मान पाएं, अपनों को अपने पन के रंगों में रंग कर खुशहाल रहें, और हम बच्चों को भी आपस में प्रेम से रहने का आशीर्वाद दें। रमन के ताऊ जी को भी समझ में आ गया था कि बच्चे ठीक कह रहे हैं। पुरानी रंजिश में आज तक मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ अपनों से दूरियां। लेकिन जब बच्चों ने इन दूरियों को कम करने के लिए कदम बढ़ाया है तो हमें भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इतने में रमन के पिताजी भी आ गए मिठाई का डिब्बा लेकर। सभी के चेहरे खिलखिला रहे थे कि एक होने में जो खुशी मिलती है वो अलग अलग रहने में नहीं। दोनों परिवारों के बच्चों ने कोशिश की तो उनकी कोशिश रंग लाई और रिश्तों में नजदीकियां आ गईं। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और प्रेम से रंग लगाकर एक हो गए। रमन और सीमा ने कहा, सही मायने में होली का अर्थ ही यही है कि नफरत और आपसी रंजिश को भुलाकर प्रेम के रंग में रंग जाना। आज भी न जाने कितने ही परिवार पुरानी रंजिशों की वजह से एक नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर बच्चे और बड़े कोशिश करें परिवार वालों को एक करने की तो जरूर एक हो जाएंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि इंसान के साथ कुछ नहीं जाता है, बस साथ जाता है तो व्यवहार और प्रेम। इसलिए इस बार होली पर गिले शिकवे भूलकर अपनों को प्रेम का रंग लगाइए और रिश्ते में आई दूरियों को नज़दीकियों में बदल दीजिए।